हेलो फ्रेंड्स, अपूर्वी क्रिएशन में आपका स्वागत है। देखना, मैं आज आपके लिए डबल बेड की चादर का बहुत ही सुंदर डिज़ाइन लेके आई हूँ। ये डबल बेड की चादर मैंने कास्मेंट के कपड़े से बनाई है, जो है कास्मेंट बोलते हैं। ये देखना, इस कपड़े में आपको छोटे छोटे छेद नज़र आकर आ रहे होंगे। ये इस तरह से ना, इस कपड़े में छेद होते हैं। जो मैंने चादर बनाई है उसी का ये तकिया है। जो मैं आपको कढ़ाई बताने जा रही हूँ वो इस तरह से है। ये देखना, ये कढ़ाई आप जो बारीक वाली जो ऊन आती है उससे भी कर सकते हैं, जो 4 प्लाई की ऊन आती है। और ये जो धागा, एक धागा आता है इस पर कढ़ाई करने का, टसर का धागा आता है, आप उससे भी इस पर कढ़ाई कर सकते हैं। चलिए मैं आपको कढ़ाई करना बताती हूँ किस तरह से ये हमको इस पर कढ़ाई करनी है। देखिए, ये डिजाइन बनाने के लिए मैंने ये कपड़ा लिया है इस तरह से। जो कपड़ा लिया है मैंने, इसे थोड़ा सा एक कपड़ा लिया है जिस पर मैं आपको डिजाइन बना के दिखाऊंगी। वो जो ये चादर है ये क्रीम कलर की है, जो मैंने इस पर कढ़ाई की है वो रेड और ब्लैक है। इस पर ही मैं रेड और ब्लैक से ही कढ़ाई करूंगी। ब्लैक कलर से मैं इस तरह से कढ़ाई करनी है, और जो ये फूल बनाने हैं ये रेड कलर से बनानी है। ये देखना, ये जो इसमें इतना गैप लिया है, ये सब में हमें इतना इतना गैप लेना है। ये जो हमें छोटे छोटे ये छेद नज़र आ रहे हैं, ये इस तरह से हम इनको गिनेंगे, और ये 35 छेद हमें ये इधर से इधर को गिनना शुरू करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। बीस, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35। ये देखना, इस तरह से जो हमने इसकी दूरी ली है वो 35 छेद हैं ये बीच में। देखना, इस तरह से हमें सुई डालनी है। और ये धागा हमें इस तरह से इधर लाना है। अब हम इसको क्या करना है, हमें इधर ये निशान देखना है उल्टी साइड, और इधर हम ये धागा, देखना इस तरह से, इसमें इस तरह से नोट लगा लेंगे। और धागा हमें इस तरह से फंसाना है। फिर हमें इसी छेद में सुई डालनी है। ये हमारी उल्टी साइड है, इस तरह से हम सीधी साइड आ जाएंगे। ये देखना, हम सीधी साइड आ गए। देखना हमें क्या करना है, इस तरह से हमने ये 1, 2, 3, 4 ये 4 छेद में हम इस तरह से गिनने के बाद हमें यहाँ सुई डालनी है। और देखना, ये देखना, अब हमें 1, 2, 3, 4 4 छेद के बाद फिर से हमें यहाँ सुई निकालनी है। देखना, फिर से हम
इधर की साइड के लिए फिर से हम चार छेद गिनेंगे इधर, 1 2 3 4, देखना इस तरह से हम यहाँ सुई निकाल लेंगे। ये देखना, फिर हम वापस इसी यहाँ इसी छेद में सुई डाल लेंगे, ये देखना इस तरह से, और फिर से हमें यहीं सुई निकालनी है इसी जगह जहाँ हमने पहले निकाली है। ये देखना, अब हमें क्या करना है, फिर से हमें इधर की साइड चलना है, फिर से हमें चार छेद, 1 2 3 4, ये चार छेद में चौथे छेद में हमें इस तरह से सुई डालनी है, हमें इधर की साइड चलना है हर बार, ये देखना 1 2 3 4, ये चार छेद इधर हो गए और चार ही हमें ऊपर को लेने हैं, 1 2 3 4, देखना इस तरह से। देखना अब हमें क्या करना है, फिर से वापस सुई हमें इधर ही लानी है, यहां सुई लाएंगे और फिर से हम यहीं निकालेंगे इसी जगह। ये देखना, फिर से हम इधर की साइड चार छेद गिन के फिर से हम इधर की साइड चलेंगे, 1 2 3 4, लाइन हमारी यही होनी चाहिए चून से इधर जिसमें हमने सुई निकाली है, जिसमें हमने धागा निकाल रखा है, हमारी ये वाली ही लाइन होनी चाहिए, 1 2 3 4, इस तरह से। ऊपर की साइड के लिए भी हमें चार छेद ही चाहिए, इसका जो डिजाइन बनता है वो छेद के ही थ्रू बनता है। ये देखना, ये ब्लैक कलर की जो लाइन है, ये सारी जो रो है ये मैंने इधर से कंप्लीट कर ली है यहाँ तक, ये देखना यहाँ तक मैंने ये सारी कंप्लीट कर ली है, और मैंने जो शुरुआत की थी वो यहाँ से की थी, इधर से की थी मैंने शुरुआत, वो बीच में मैंने ये, मैंने आपको पहले भी बताए हैं कि ये 35 छेद हैं बीच में जो गैप लिया है मैंने, 35-35 छेद का लिया है। देखिए यहाँ साइड में आके, यहाँ साइड में मेरा कपड़ा ये कम रह गया, ठीक है, इसलिए मैंने जो ये वाली जो रो शुरू करी है की है तो यहाँ थोड़ी ऊपर ले जाके चार लाइन तो ये हमें इधर छोड़नी है, सिलाई के लिए छोड़नी है, और उसके बाद हमें देखना है कि हमें ये 35 छेद का ही गैप रखना है बीच में, तो हम इससे यहाँ से गिनना शुरू करेंगे जहाँ हमारे ये 35 छेद, यहाँ से यहाँ तक हमारे ये 35 हो गए, यहाँ से मैंने ये कढ़ाई शुरू कर दी है, ये देखना यहाँ से मैंने कढ़ाई शुरू कर दी, इतनी ऊपर ले जाके मैंने शुरू कर दी है। और ये जो साइड से है, पहले हमारी इधर से शुरू हो रही थी, अब इधर से शुरू होगी, तो ये भी इसके जो इसका गैप है ये भी 35 छेद का ही है बीच में, देखना ये 35 छेद हमें बीच में ये रखने हैं, यहाँ से शुरू करना है और चार, ये चार लाइन चार इधर ही छोड़नी है, देखना सब में इसी तरह से सारे। अभी इतना ही तो मैंने कंप्लीट कर लिया है, ये देखना इतना रह गया है,
इसमें मैं आपको और थोड़ा सा बताती हूँ। यहाँ से मुझे ये 35 छेद गिनने हैं इधर की साइड। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 32 33 34 35 34 35 34 35 34 35। ये देखना, ये 35 हो गए। देखना आप क्या करना है, नीचे से मुझे पहले इसमें ये एक नॉट लगानी है। देखना आप ऊपर की साइड आ गए इसमें। और ये जो मैंने ऊन ली है ये 4 प्लाई की ऊन है, इसके मैंने 3 धागे लिए हैं। ये देखना 3 धागे लिए हैं। ये देखना, पहले हम ऊपर की साइड चलेंगे। 4 छेद गिनने हैं हमें, 1 2 3 4, इस तरह से ऊपर की साइड गिनने हैं। फिर हमें ये धागा, ये देखना 1 2 3 4 2 3 4, इस तरह से इधर भी 4 लेने हैं और इधर की साइड भी हमें 4 लेने हैं। ये देखना, फिर से वापस सुई हम इसी छेद में यहाँ डालेंगे और ये 4 छेद हमें गिन के मतलब यहाँ सुई निकालनी है इस तरह से। ये देखना, फिर से हम सुई जहाँ हमने पहले निकाली है वहीं फिर से हम यही सुई निकालते हैं। ये देखना, इसकी ब्लैक वाली जो रो है ये सारी कंप्लीट हो गई है पूरे कपड़े की इधर तक। और एक लाइन मैंने ये रेड कलर से जो फूलों वाली बनानी है, ये इस कोने वाली मैंने ये भी बना दी है। ये देखना, इस तरह से लगता है, इस तरह से लगेगा हमारा ये बनकर डिजाइन। और अब मैं आपको जो बताने वाली हूँ इस वाली लाइन पे, ये फूल बताने वाली हूँ ये किस तरह से बनानी है ये वाले फूल। ये देखना, ये हमें रेड कलर से बनानी है। और जो 4 प्लाई वाली ऊन है मैंने इसकी ये 3 धागे लिए हैं। देखना, इस तरह से मैंने इसके 3 धागे लिए हैं। ये चलिए डिजाइन बनाना शुरू करते हैं। देखना, ये हमारी उल्टी साइड है। पहले हम इसमें यहाँ एक नॉट लगाएंगे। इस तरह से फिर हम सीधी साइड आ जाएंगे। देखिए, यहाँ मैंने एक जो इसका ये कोना है यहाँ सुई निकाली है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक हमें ये 6 जो छेद हैं 6 गिनने हैं। 1 2 3 4 5 6। देखना, इस तरह से हमारे 6 हो गए।
यहाँ हम सुई डालेंगे और वापस इसी जगह निकालेंगे। ये देखना, ये वापस फिर से हम यही निकालेंगे इस तरह से। अब देखना हमारे जो हमने ये लाइन गिनी थी, ये हमारी 6 थी। अब हम जो इससे नीचे वाले लाइन है हमारी, ये वाला चीज है, हम इसमें सुई डालेंगे। ये देखना, यहाँ सुई डालनी है। अब फिर से वापस हमें इसी जगह सुई निकालनी है। देखना, फिर से हमने यहीं सुई धरी निकालनी है। और अब हम यहाँ सुई डालेंगे। हर बार हम एक लाइन इधर चलनी है और एक छेद हमें नीचे की साइड चलना है। देखना, पहले यहाँ फिर यहाँ, अब हम यहाँ सुई डालेंगे इस तरह से। और फिर से वापस इसी जगह निकालनी है। देखिए, अब जब हम इधर की साइड ले जाएंगे ये धागा इधर की साइड, अब जहाँ हमने ये वाला यहाँ डाला है, इसकी साइड जो साइड वाला छेद है इसमें सुई डालेंगे। और फिर से वापस हम सुई यहीं निकालनी है। देखना इस तरह से। अब देखना जो इसकी बराबर वाला ये छेद है, अब के सुई हमें इस बार यहाँ डालनी है इस तरह से। देखना इस तरह से ये हमारा फूल तैयार हो जाएगा। देखना ये हमारी उल्टी साइड है। अब हम इसमें यहाँ एक नॉट लगा देंगे। इस तरह से देखना, अब हम सुई यहां निकालते हैं इधर की साइड। देखिए, पहले जो हमने ये पत्ती बनाई है फूल वाली, ये इधर की साइड इस तरह से बनाई है। और अब हम कपड़ा इधर इस तरह से पकड़ेंगे इसकी साइड, इस तरह से। और ये धागा हमें इस तरह से गिनना है। छेद हमें छेद गिनने हैं, वो इस तरह लाने हैं हमें। ये देखना, 1 2 3 4 5 6। देखना इस तरह से। अब देखना, पहले हमने सुई यहां डाली थी, हमें यहां सुई डालनी है बराबर वाले छेद में इधर से। और फिर से सुई हमें नीचे यहां निकालनी है। इस तरह से देखना। अब हम क्या करना है, अब यहाँ दोबारा हमने यहाँ डाली, अब के बार हम यहाँ डालनी है हमें सुई, जो बराबर वाला, इससे नीचे वाला जो बराबर वाला ये छेद है, इसमें सुई डालेंगे इस तरह से। देखना, और फिर से वापस हमें यही सुई निकालनी है।
देखना, अब हम इधर की साइड आ गए, इधर की साइड की पत्ती हमारी तैयार हो गई। अब इधर की साइड की पत्ती बनानी है ये, तो हमें सुई यहाँ डालनी है, इससे एक एक लाइन नीचे छेद में। देखना, अब के सुई हमें यहाँ डालनी है इस तरह से। ये देखना, हम उल्टी साइड आ गए। अब हम यहाँ एक नोट लगा देंगे, ये इस तरह से। देखना, अब हमें सुई यहां निकालनी है, फिर से हम ये वाली पत्ती बनाएंगे इधर के साइड वाली। एक दो तीन चार पाँच छ, देखना इधर की साइड वाली पत्ती बनानी है। इधर की साइड हमारी आधी पत्ती तैयार हो गई, अब यहाँ हमें सुई डालनी है इस तरह से। एक दो तीन, अब हमें यहाँ डालनी है, एक एक छेद नीचे चलते रहना है यहाँ इस तरह से। देखना, फिर से हम यहाँ एक नोट लगा देंगे। फिर से हम ये साइड वाली पत्ती बनाएंगे इधर के। एक दो तीन चार पाँच छः, देखना ये देखिए आप इस तरह से बनानी है। देखना इधर वाली साइड की पत्ती भी हमारी ये तैयार हो गई है। अब हम यहाँ सुई निकालेंगे इस तरह से।
देखिए ये जो मैं कास्मेंट पर कढ़ाई कर रही हूँ, जो बहन हमारी कढ़ाई करती हैं वो तो बड़े आराम से कर लेंगी, उन्हें कोई कोई दिक्कत नहीं आएगी। मगर जो बहन हमारी जो कढ़ाई करना सीख रही हैं वो इस तरह से कढ़ाई करने में उन्हें थोड़ी दिक्कत आएगी। इसलिए एक फ्रेम आता है वो मार्केट में बड़े आराम से मिल जाता है, देखिए इस तरह का ही फ्रेम आता है, इससे भी हम बड़े आराम से कढ़ाई कर सकते हैं। ये देखना, ये इस तरह से होता है। इसका जो अंदर वाला जो पार्ट है वो हम नीचे लगाएंगे इस तरह से। ये देखना, ये नीचे लगाएंगे और एक इसका जो घेरा है वो हम ऊपर की साइड लगाएंगे इस तरह से। और ये फ्रेम लगाने से हमारा जो ये कपड़ा है वो बड़े ही मतलब ठीक तरीके से हो जाता है, ये जिसे हम कढ़ाई आराम से कर सकते हैं। इससे पूरा इसमें खिंचाव आ जाता है, जिसे कढ़ाई करने में हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी इस तरह की। ये देखना, मैं इसमें भी आपको एक ये पत्ती बना के बताती हूँ। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। ये देखना, देखिए आप इस तरह से इसमें बड़े ही आराम से आप ये कढ़ाई कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से आप फ्रेम लगा के कढ़ाई कर सकते हैं। देखिए ये हमारी उल्टी साइड है, यहाँ हम इस तरह से एक नॉट लगा देंगे इस तरह से, और फिर से हम कढ़ाई शुरू कर देंगे। देखना, फिर से हम कढ़ाई शुरू कर देंगे। ये पूरी रो इसी तरह से कंप्लीट करनी है। चाहे तो आप फ्रेम के थ्रू कढ़ाई कर सकते हैं और चाहे तो बिना फ्रेम के भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है। देखिए अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।